बैक टू माई चैनल डेली लाइफ रेसिपीज। तो आज के इस वीडियो पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ क्विक पिज्जा की रेसिपी, जिसे आप शॉर्टकट पिज्जा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो करंट सिचुएशन है उसमें बाहर से पिज्जा ऑर्डर करके खाना सेफ नहीं है, और अगर आप घर पे पिज्जा बनाएंगे तो बहुत मेहनत लगेगी। तो इसलिए आज के इस वीडियो पे मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से पिज्जा बनाने पे आपकी जो पिज्जा खाने की इच्छा है वो भी पूरी हो सकती है और आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी होगी। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं किचन की तरफ। तो देखिए, मैंने यहाँ पर ऑल पर्पज फ्लावर यानी कि मैदा ले लिया है। मैंने इस कप से मेजर करते हुए 1.5 कप मैदा यहाँ पर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है, ये आपका है बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, थोड़ा सा सॉल्ट एज पर टेस्ट, और ये पानी है। वैसे भी मैं सारे इंग्रेडिएंट्स का जो मेजरमेंट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अभी जो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं यानी कि नमक, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, मैं यहाँ पर इसको ऐड कर दूंगी, और ऐड करके हम थोड़ा सा ऐसे मिला लेंगे। तो मैंने जो है सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी और इसका एक मिक्सचर रेडी करूंगी, एक थिक मिक्सचर या थिक बैटर रेडी करूंगी। तो देखिए, मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक थिक बैटर रेडी करूंगी। अभी भी मैं इसमें और थोड़ा पानी ऐड करूंगी और फिर से इसको मिक्स कर लूंगी। तो देखिए, मैंने जो बैटर है वो रेडी कर लिया है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक ज्यादा होगा, रनी नहीं होगा उतना, ये थिक कंसिस्टेंसी होगा। तो अभी हम इसका जो टॉपिंग है वो रेडी कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन को गैस ऑन करके बिठा दिया है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करूंगी। ऑयल को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। तो देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे कैप्सिकम। मैं यहाँ पर सिर्फ ग्रीन कैप्सिकम यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो रेड और दोनों कैप्सिकम भी यूज कर सकते हैं। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो 2 मिनट तक मैंने कैप्सिकम को हाई मीडियम फ्लेम में कुक कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अनियन, स्लाइस किया हुआ अनियन। आप चाहे तो ये अनियन, टमाटर और कैप्सिकम को रॉ भी यूज कर सकते हैं, पर मैं इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके यूज करूंगी। अभी अनियन को ऐड करके फिर से 2 मिनट तक हम हाई मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई कर लेंगे। तो मैंने अनियन के साथ भी कैप्सिकम को 2 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी स्लाइस किया हुआ टमाटर। टमाटर को ऐड करके इसको मिक्स करके फिर से हाई मीडियम फ्लेम में हमको इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो पिज्जा बेस हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो लिक्विड है, तो वो जल्दी कुक हो जाएगा, लेकिन ऊपर में ये जो हम टॉपिंग यूज करेंगे वो कुक होने में ज्यादा, थोड़ा उससे ज्यादा टाइम लेगा। तो इसलिए अगर हम पहले से इसको थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे तो दोनों मतलब सेम टाइम पे कुक हो जाएगा। नहीं तो क्या है ना, पिज्जा बेस हमारा पहले कुक हो जाएगा लेकिन ऊपर का जो ये टॉपिंग है ये थोड़ा कच्चा रह जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जैसे मतलब जब भी ऐसे पिज्जा बनाएं तो आप हमेशा जो सब्जी है उसको थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लीजिए। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ एज पर टेस्ट, और नमक के साथ इसको मिला लूंगी और फिर से इसको 2 मिनट तक हाई मीडियम फ्लेम में कुक कर लूंगी या फिर फ्राई कर लूंगी। तो ये जो है हमारा
ये स्टर फ्राई हो चुका है, इससे ज्यादा हम इसको कुक नहीं करेंगे। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अभी हम पिज्जा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर लेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल। मैं यहाँ पर राइस ब्रैन ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें बैटर ऐड कर देंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अभी हम फ्लेम को एकदम लो मीडियम पे कर देंगे। और हमने जो बैटर रेडी किया था वो बैटर हम इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसे एक स्पून के टू टाइम्स ऐड कर रही हूँ। इसको अभी थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, ज्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे। तो जैसे ये बैक साइड से थोड़ा सा हो जाएगा तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। तो देखिए ये बैक साइड से बिल्कुल हो चुका है, तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। अभी इसके ऊपर हम पिज्जा सॉस स्प्रेड कर देंगे। तो पिज्जा सॉस मैंने स्प्रेड कर दिया है, अब ऊपर से हम टॉपिंग ऐड कर देंगे। जो मतलब सब्जी को हमने स्टर फ्राई किया था वो ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, आप इसमें रॉ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो। फ्लेम को आप एकदम लो पे रखेंगे, ऊपर से अभी हम चीज ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से चीज को स्प्रेड कर देंगे। अभी ऊपर से हम थोड़ा मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रिंकल कर देंगे, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप चिली पाउडर भी यूज कर सकते हो। ऑरिगेनो नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि आप मिक्स्ड हर्ब्स यूज कर रहे हो। तो अभी हम इसको लो मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक ढक के कुक करेंगे, ताकि चीज जो है हमारा वो मेल्ट हो जाए। तो अभी हम ढक्कन खोल के देख लेंगे, क्योंकि 1 मिनट हो चुका है। हाँ देखिए, बिल्कुल चीज भी हमारा जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो अभी हम इसको प्लेट में सर्व कर देंगे। तो तैयार हो गया है हमारा पिज्जा, जो कि एकदम क्विक वे में बन जाता है। तो अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो मेरे इस वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और आके ऐसी यूजफुल रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, और पास में रखा बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सबसे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।